उस्ताद साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आपने कितना टाइम हो गया माशाल्लाह इस रूहानी जो फील्ड है या इससे आपका ताल्लुक है, और फिर माशाल्लाह आपकी रियाजत है, आपके मुजाहदे हैं, कोई ऐसा कुछ दिलचस्प वाकया हमें सुनाए, ताकि एक तो उससे कोई हमें थी अच्छा और उनकी पूरी फैमिली को जिन्नात ने पकड़ा हुआ था और काफ़ी अरसे से और दुनिया भर के आमिलीन से उन्होंने इलाज कराया। तो बहरहाल वो इंग्लैंड में थी, तो एक मरतबा मेरा जाना हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा ठीक है अम्मा इंशाल्लाह आपका इलाज हो जाएगा। वो बैठ के मुझसे बातचीत कर रही थी, तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है, जो है क्योंकि हमारे साथ जो जिन्नात है वो बहुत ताकतवर जिन्नात है, तो मैं जो हूँ फिर इंशाल्लाह आऊंगी तो कुछ हादरात भी होंगे, तो वो फिर उनकी मौजूदगी में वो आप हमें हमारे जिन्नात उतारिएगा। और उनके ऊपर सिख जिन्नात का कब्जा था, अच्छा और उनका मामला ये था कि उनके मर्द थे वो नमाज नहीं पढ़ते थे और जिस्म के बाल भी नहीं काटते थे, जो मुंह जेरे नाफ है दिगर बाल है उन्होंने बहुत बढ़ाए हुए थे, सिख मजहब के जी वाले जी जिस तरह पहले बढ़ाते जिस तरह हैं, से करते हैं। तो काफी उनके इस किस्म के मामला थे। और घर के अंदर भी उनके ऐसे मसाइल थे कि घर के टॉयलेट में जाते हुए उनको खौफ आता था, बाज़ औक़ात कोई मखलूक आ जाया करती थी, मस्जिद में जाने के बजाय कहते थे हम तो गुरुद्वारे में जाएंगे। हाँ अच्छा माशाल्लाह बहुत यानी बुरा हाल था, नमाज रोजे से दूर थे। तो मैंने उस खातून से, बूढ़ी खातून से बातचीत चल रही थी उसी वक्त उसका जनाज़ा हो गया, अच्छा और वो कहने लगी, वो जिन्नी थी और उसका पूरा कबीला था, कहने लगे वो कश्मीरी जबान में, कहने लगे मीरपुरी जबान में कि तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, तो फलाना पीर आया था, फलाना पीर आया था, फलाना पीर आया था, एक एक का नाम, जितने लोगों से उसने इलाज करवाए थे बेचारी ने सबका नाम ले लिया। सबका नाम ले रहे थे, वो भी आया था और वो भी आया था, उसने क्या कर लिया मेरा। और मुझसे कहने लगे कि जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा की तो मैं इसके साथ हूँ। आपको कहने लगी हाँ अच्छा तो मैं तो इतनी पुरानी इसके साथ हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम आ गई हो, तो अच्छा मैंने उसको वार्निंग दी कि मैं देखो तुम्हें कह रहा हूँ कि शराफत से छोड़ के चली जाओ। तो उसने कहा नहीं जाना मैंने, तो मैंने कहा देखो दूसरी दफा कह रहा हूँ तुम छोड़ के चली जाओ, तो कहते नहीं जाना मैंने। तीसरी मरतबा मैंने कहा देखो फाइनल अब मैं कह रहा हूँ उसके बाद फिर, तो उसने कहा नहीं जाना मैंने। मैंने कहा अब तुम संभलो फिर चलो। फिर मैंने उसके ऊपर अलहमदुल्ला कुरान मजीद की आयतें पढ़ी, सुभान तिलावत की, और उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर बाद यह हाल हुआ कि अः मैं जल गई, अः मैं अल्लाह। मर गई, अः मैं छोड़ दो, अः मैं जल गई, अः मैं मर गई, और इतनी चिल्ला रही थी। तो और वहां पे मोहल्ले वाले भी जमा हो गए, तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन थोड़ी देर के बाद उनका मामला क्लियर हो गया। तो मैंने कहा बुला लो अपने बेटों को भी बुला लो जिनके साथ ये सारे मामला थे। बाप बेटों के आपस में जब लड़ाई होती थी छुरियां निकाल लेते थे एक दूसरे पर, ओहो बाप बेटे, तो बड़ा मसला था उन लोगों का, बड़ा पेचीदे मामला थे उन लोगों के। तो वो खातून तो होश में आ गई, कहने लगे नहीं बेटा मैं अभी नहीं बुलाऊंगी उनको, क्योंकि उनके जिन्नात बड़े ताकतवर है, वो चार चार आदमियों के काबू में नहीं आते, आप अच्छा हमारे मेहमान हो और तकलीफ ना पहुंचाना। हाँ वो आप पे हमला कर देंगे तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे कहा अम्मा कोई बात नहीं आप ले आओ, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल वो नहीं मानी, तो फिर संडे का दिन का इंतजार किया कि वहां पे लोग आमतौर पर छुट्टी पे होते हैं, तो संडे के दिन उनको बुलाया गया, तो लोग भी काफी जमा थे जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया था। तो लेकिन अलहमदुल्ला अल्लाह ताला के फजलो करम से हिजबुल बहर के जरिए मैं उनको बांध दिया पहले से ही, ताकि कोई हरकत वगैरह ना करें। उसके बाद फिर पढ़ाई की, तो अलहमद मुझे देख के थोड़ी देर मुस्कुराते रहे, मैं तो आंखें बंद करके पढ़ाई कर रहा था, लोगों ने बल्कि उनके घर के फर्द ने वीडियो बनाई थी उनकी पूरी। तो लेकिन अलहमदुल्ला उसके बाद वो लोग उससे पाक हो गए अलहमदुल्ला। माशाल्लाह। फिर मैंने कहा जाओ नहाओ धो अपने जिस्म को साफ करो और फिर जो है नमाज के लिए भेजाओ। फिर उन्होंने नमाज के लिए भेजाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह दीगर मामला करना शुरू अल्हम्दुलिल्लाह किए। तो इसके अलावा और बहुत सारे खतरनाक ऐसे क्या बात। मामलात हैं।